हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुस होंगे और अपने घरों में अच्छे से रहते होंगे बारिश के मौसम में। चलिए, हम आज लेट उठे, खूब नींद आता है तो आज लेट उठे तो 8:30 बजे उठे। उठते उठते सब फ्रेश व्रेश होते होते 9 बज गए तो अभी चाय लेके बैठे हैं। आज कोई ना जूस ना कुछ नहीं बना, हमें आज लेट हो गया। चाय पियेंगे, ये सब पियेंगे तो चाय पीने में लेट हो जाएगा, तो अभी हम जस्ट चाय लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड और हम चाय पी रहे हैं, फिर सब्जी जो बनाना है वो लेके बैठे वो काटेंगे। चलिए चाय पीते हैं। ये देखिए, अदरक वाली कड़क चाय बना लिए हैं। चाय पीते पीते इसकी सब्जी काटेंगे, ये सब्जी काटेंगे क्योंकि 9 बज गया है। तो चलिए चाय पीते हुए अपना काम करते हैं। चलिए, सब कपड़े सूखे के नहीं सूखे देखें, ये जो सूखे उसको फोल्ड करना है। बाहर देखिए, आधा घंटा से बारिश हो रहा है। फिर बाद में बंद हो जाएगा, 9 बजे से बारिश हो रही है, 9:30 बजे से। चलिए एक बार चाय पी लिए, थोड़ा सा चाय बचा था तो फिर गर्म करके पानी वाले ग्लास में पी लगा। चलिए जल्दी से झाड़ू करें, पोछा करें आज, क्योंकि मेरे काम वाले बीमार हैं तो क्या पता वो आज भी आएगी नहीं आएगी। तो अपना काम तो हम कर लेते, उसका राह नहीं देखेंगे। और फिर आज मेरा बेटा भी आ रहा है तो राइट टाइम ट्रेन है, 3:30 बजे आ जाएगा सूरत। तो फिर घर आते आते आधा घंटा लगेगा, 4 बज जाएगा आते आते। तो वो सब भी साफ़ सफाई करके फिर उसके लिए पूछें फ़ोन में कि क्या खाएगा रात को। सुबह तो मैं ट्रेन में खा के आएगा तो मे भी शाम को भूख लगेगा तो मैगी वैगी बना देंगे, और रात को खाना होगा तो देखते हैं वो आलू का पराठा बोलेगा तो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मेरे हाथ का खाया नहीं है। और क्यों आ रहा है हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। चलिए चाय पिए, उसके बाद अपने काम में लगे। वैसे भी लेट हो गया है, लेट उठे हैं तो सब काम लेट होगा आज। मेरे हस्बैंड जी तो नहाने चले गए, नहा के आएंगे, वो पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम मंदिर का साफ़ सफाई कर लें, वहाँ झाड़ू पोछा कर लें, बाद में पूरा घर का डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़े से देर के बाद, पता नहीं कितने देर के बाद। चलिए झाड़ू पोछा हो गया, सब काम डस्टिंग वस्टिंग करके अब जा रहे हम नहाते हैं। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, मंदिर जाएंगे। लेट उठे तो 11 बज गया सब करते करते। काम वाली का रहा नहीं देखेंगे कि वो आएगी कि करे, आएगी कि नहीं आएगी। मेरा हो गया क्योंकि हम जितना हो सके जल्दी काम निपटा लेते हैं। आज बेटा आने वाला है तो योगा में जाएंगे नहीं, प्यास लग रहा बहुत। चलिए पानी ठंडा और नॉर्मल मिला के पीते हैं, फिर हम नहाने जाते हैं, थक गए। चलिए फ्रेंड्स, मेरा हो गया है सब काम, नहाना पूजा सब हो गया है। और कपड़े बाजू वाली दादी के यहीं धोने को डाल दिए, क्योंकि मशीन वाले को फ़ोन किया तो वो बोला कि आ जाऊंगा लेकिन कितने बजे आऊंगा वो कोई फिक्स नहीं है। तो अब बारिश सुबह से रह के बारिश हो रहा है, काला बादल छा जा रहा है और बारिश हो रहा है। तो अब हम चाह रहे हैं खाने के लिए, अब क्या खा रहे हैं आपको दिखाते हैं। और कपड़े हो जाएंगे तो फिर अंदर आके हमको रूम में डालना होगा हैंगर में। और इतनी गर्मी, मतलब गर्मी भी है और साथ में काला बादल हो जा रहा है, क्या बताएं आपको। चलिए हम आपको दिखाते हैं मेरा खाना हम क्या खा रहे हैं। देखिए, मेरे खाने में 3 पतली पतली रोटी बना ली है, कुंदरू की सब्जी, कल का थोड़ा सा बैंगन का सब्जी बचा है और आज दाल बना दिया। और ये डेली की तरह सलाद, ये हम खाते हैं। 1:15 हो गया है, खाने के बाद मिलते हैं। चलिए सब हो गया, बर्तन वाली बर्तन कर रही है, झाड़ू पोछे वाली आई थी तो हम उसको मना कर दिए, आराम कर लो एक दो दिन फिर आना, बोली कल आऊँगी। चलिए कपड़ा सुखाए, दादी के यहाँ धुल गया होगा,
इसको लाए अंदर सुखाएं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इनको नींद आ बहुत है, फिर बेटा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं बाद में। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए 7 बजने वाला है, 7:15 हुआ है और हम संध्या बत्ती दे दिए हैं। अब बेटा आ गया है, चुपके से उसका वीडियो बना लिया है, टीवी देख रहा था आते ही, तो उसका डिमांड से अभी खिचड़ी बनेगा, मसाला खिचड़ी कड़ी, गुजराती कड़ी, और पापड़ छान देंगे, आलू बॉईल कर दिए, आलू का चोखा बना देंगे, तो वो बनाने वाले हैं। धनिया की चटनी बनाने वाले, लेकिन बगैर लहसुन वाला चटनी हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सोचे रहने दो, इतना ही काफ़ी है, बाकी सब चल जाएगा। तो हम आपको बोले थे ना कि मेरा बेटा आ रहा है, आपको बाद में बताएंगे क्यों आ रहा है। एक्चुअली जहाँ इसका एडमिशन करवाया था ना, तो उसको वो वहाँ पर सेट नहीं हो पाया, कितना 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है ना, 1.5 महीना 2 महीना हो रहा है, हाँ, तो वो सेट नहीं कर पाया। तो वो बोला कि मेरे को दूसरे कॉलेज में डाल दो, मैं यहाँ पे नहीं सेट कर पा रहा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, वहाँ का थोड़ा कल्चर चेंज है, तो इस वजह से बोला कि मेरे को BBA करने के लिए कहीं भी डाल दो, मैं MBA करने के लिए वापस इधर आ जाऊँगा। वो MBA 2 साल का ही कोर्स है, बट ये BBA 4 साल का कोर्स है, 3 या 4 साल हो गया अभी। तो बोला कि मेरे को यहाँ बुला लो, मेरे मैं यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और बहुत सारा प्रॉब्लम उसको हो रहा था। तो मेरे ठीक है, बाकी वहाँ से जहाँ हम लोगों ने डाला था ना, वहाँ से उसको कोई कंप्लेन नहीं, बस उसको क्या है ना, एक होम सिकनेस, एक कल्चर का प्रॉब्लम और एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, क्यों इतना बॉदर करें, बेटा को बाद में 2 साल के लिए भेज देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने पास ही रखते हैं, फिर इनका भी तबीयत थोड़ा अप डाउन रहता है, तो थोड़ा वो भी रहेगा नज़दीक में, तो इनका भी थोड़ा ये रहेगा कि सूरत में, अगर सूरत में भी उसका एडमिशन होता है तो वो भी ठीक है, अगर सूरत में सीट खाली होगा तो यहीं होगा, नहीं तो आसपास ही कहीं देख लेंगे, जो 2 घंटा 1 घंटे का रास्ता का रहेगा यूनिवर्सिटी। तो अभी देखते हैं कहाँ इसका, अभी एडमिशन ओपन है 1-2 जगह में, तो 2nd बैच में एडमिशन हो जाएगा, तभी वहाँ ट्राई कर रहे हैं। चलिए, बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो आजकल तो क्या है ना, दोनों को समझदारी से चलना होता, पहले था कि माँ बाप जो बोले बच्चे को वही करना, लेकिन अभी क्या है ना, बच्चे भी अपना प्रायोरिटी बताते हैं और हमको भी उनका सोच समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उसका, बस यही प्रार्थना करते कि वो जो भी करे, जहाँ भी करे, जहाँ से भी करे, अच्छे से करे और अपना फ्यूचर में आगे बढ़े। चलिए हम जाएँ खिचड़ी बनाएं, गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा बंद कर दी, खिचड़ी बनाने के बाद मिलते हैं। बस आप सब प्रेयर कीजिए कि सब अच्छा रहे, आगे भी अच्छा रहे और होते भी रहे अच्छा। चलिए चलिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा दही बचा था तो उसका पतला पतला मट्ठा बना दिया छोंक के, और पापड़ थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ये सवेरे की थोड़ी सी सब्जी थी वो, एक आम का छुंदा ले लिया और मसाला खिचड़ी। चलिए हम लोग खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सारे काम निपटा दिए मेरे, गर्म पानी भी पी लिया, मेरा बेटा उसके फ्रेंड के यहाँ गया, उसकी मम्मी ने उसको डिनर पे बुलाया है, तो वहाँ गया खाने, और आज जल्दी ही खाना हो गया मेरा, मतलब 8 बजे बैठ गए थे खाने, खिचड़ी बनाया था इसलिए, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी, तो खाना हम लोगों ने खा लिया, बेटा तो अपने फ्रेंड के यहाँ गया, फिर घर आएगा, फिर कपड़े चेंज करके शंकर भगवान जी के मंदिर जाएगा उसके फ्रेंड के साथ। यहाँ हमारे घर के पास ही एक गंतेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ में रात को राख वाला, राख को क्या बोलते हैं, भस्म आरती होता है, तो ये लोग वो देखने जाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग ने भी कॉल किया, तो वो अभी जस्ट नीचे उतरे, कितना 9:45 हो रहा है, बेटा 9 बजे करीब गया खाने पे, फिर वहाँ आएगा खा पी के, तो फिर वहाँ जाएगा, मेरे हस्बैंड जस्ट अभी 5 मिनट वहाँ नीचे उतरे हैं, और हम अब बैठ के अपना सीरीज़ देखेंगे जब तक ये लोग नहीं आएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा
यहीं तक था और कुछ कहना था हमको। जब हमको याद आता है तब हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और सोचे थे कि बोलना है, भूल गए। चलिए अब जब याद आया तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। तो चलिए ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये मेरा फैमिलियर चैनल है, कुछ बनावटी नहीं है, कुछ वल्गैरिटी नहीं है, साफ़ सुथरा मेरा चैनल है और हम आशा करते हैं कि आप सबको भी पसंद आएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।